know you make me wanna talk back to you. Say you like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know I never will. हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं इंद्रज चंद गुप्ता और आप सबका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉगिंग चैनल के दूसरे ब्लॉग। टुडे इज द थर्ड डे। हम लोग यहां पे आज सुबह अभी बज रहा है 9:15। ठीक है, सो अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहां से। लगेज हम लोग पैक करने वाले हैं वापस से गाड़ी की छत पे, जैसे पैक किया था पिछली बार भी, इस बार भी वो करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लीव दिस प्लेस सून। ठीक, हम लोग भी जाने वाले हैं राजगीर नालंदा, जो आप लोगों को पता ही होगा वो जगह। सो वहीं पे जाएंगे राजगीर पर। ठीक है, यहाँ से बोधगया से वो राजगीर शायद 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो एक से डेढ़ घंटा लगेगा घुसने में वहां पे, लेकिन बस आधा घंटा और हम लोग पकड़ कर रख रहे हैं अपने हाथ में, क्योंकि अभी तक उनको ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो हम लोग बाहर ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, लंच भी हम लोग बाहर शायद कर लेंगे, लंच हम लोग वहां पे जाके कर लेंगे, क्योंकि एक से डेढ़ घंटा लगेगा बस जाने। That's it. So, अभी और कुछ बोलने में फायदा तो है नहीं, तो सीधा मिलते हैं राजगीर पर। तो दैट्स इट। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं एंड विल मीट इन द कार। मैं थोड़ा सा जो है रोड आप लोगों को दिखा दूंगा, बाकी एंजॉय द व्लॉग टिल वी रीच द होटल इन राजगीर। बाय बाय गाइज। बैक इन द होटल गाइज। हम लोग अभी हैं राजगीर में। सो पहुंच गए हम लोग राजगीर विद इन 2.5 hours राइड। ये होटल यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, इसका नाम है होटल डायमंड इन। इट्स अ गुड होटल, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, नाइस होटल, लोगों के बिहेवियर्स भी बहुत अच्छे हैं। अब हम लोग फ्रेश होंगे एंड इसके बाद वी आर गोइंग टू गो टू नालंदा, जो यहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, फ्रॉम राजगीर टू नालंदा। 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है। सो वहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि फेमस बहुत है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि पुराने वाला है, नया वाला नहीं, जो पुराने वाला था वो थोड़ा वो फेमस है, और भी बहुत कुछ फेमस है नालंदा। दे रही है मेरी वीडियो के साथ एंड पूरा वीडियो देख के आप लोगों को भी समझ आ जाएगा कितना एक्साइटेड मैं हूँ और कितना एक्साइटेड आप होने वाले हो आफ्टर वी गो टू नालंदा। सो राइट नाउ मैं इन्हीं कपड़ों में तो नहीं जाने वाला हूँ। सो मैं विल चेंज, सो मैं जल्दी से नहा के फिर मैं चेंज करता हूँ। हेलो, आई एम बैक। नहा धो लिया है, ड्रेस भी कर लिया है, सो आई एम फुल्ली रेडी एंड नाउ वी आर गोइंग टू नालंदा। सो गाड़ी में चल रहा हूँ एंड इसके बाद हम लोग जा रहे हैं नालंदा। वी विल ड्राइव टू नालंदा। मैंने पहले भी कहा है कि नालंदा यहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो कि आप हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि ब्रेकफास्ट करना है, सो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को लग जाएंगे एक घंटे पहुँचने में, ड्राइव ब्रेकफास्ट सब कुछ मिला के। ठीक है, रुकना नहीं है, सीधा जाना है नालंदा जाना है एंड आफ्टर दैट हम लोग वहाँ पे घूमेंगे और जो भी चीज़ है वो आप लोगों को दिखाएंगे। सो बी विद माई व्लॉग, देखते रहो, एंजॉय करते रहो। राइट ना, हम लोग ये पूरा एक झंडी है। ठीक है, नालंदा पे सो हम लोग गाड़ी पार्क करने के बाद टोटो में जा रहे थे। ओके, सो अभी टोटो यहाँ पे लाया है। अब और भी जगह हैं यहाँ पे, ये रुइंस में है ये। एक्चुअली देखो, जगह जो है वो है नालंदा रुइंस। सो नालंदा रुइंस के इसी जगह में और भी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों का जोनसांग वाला प्लेस जो है, ठीक है, जोनसांग कौन है वो लिखा आ रहा होगा, पढ़ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया
और इसके अलावा जो भी है वो आप लोग देख पाएंगे आगे के ब्लॉग में। सो लगे रहिए ब्लॉग के साथ। हम पता है ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा शायद, बट यस मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए लंबा है। बैक ठीक है। सो हम लोग आ गए हैं, जो पीछे आप देख पा रहे हो शायद आपको दिखेगा अभी। देखो इसका भी मैं क्लिपिंग्स डाल रहा हूँ, इसका भी मैं फोटोज डालूंगा, सो आप लोग को दिख जाएगा। ये एक जैन मंदिर है, जल समाधि है। सो इन जल समाधि को भी कहीं उन्होंने एक मंदिर टाइप बना दिया है। सो अगर आप कभी भी यहाँ आते हो सो आना यहाँ पे, माथा टेक के जाना, अच्छा भी लगेगा। जगह भी अच्छा है, शांत है, ज़्यादा हो शोर नहीं है यहाँ पे, सो बढ़िया लगेगा। लेकिन जो भी हो अभी आए का क्लिप देख ले।
मैं इतनी देर से घूम रहा था पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी जो भी है। सो सच बताऊँ मैं थक चुका हूँ, ठीक है। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, लाइक सच में मैं थक चुका हूँ। मैं वीडियो बहुत सारा बना दिया है, क्लिपिंग्स आप लोगों को दिख ही रहा होगा, आप लोगों को देखा होगा क्लिपिंग्स। मैं इतना थक चुका हूँ मैं बैठ गया हूँ अभी, क्योंकि मैं पिछले शायद आधे घंटे से यहाँ से चल रहा हूँ, ठीक है। फिर भी ऐसा लग रहा है ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं चले जा रहा हूँ। हाँ थोड़ा स्लो चल रहा था, कैमरा था हाथ पे, क्योंकि आप ही लोगों को दिखाना है वीडियो। सो गाइस ख़त्म हो चुका है नालंदा यूनिवर्सिटी का जो भी रिकॉर्डिंग था, मैंने ख़त्म कर दिया। गाइस फाइनली वी आर बैक इन द होटल। सो गाइस इट वाज क्वाइट अ लॉन्ग डे, ठीक है। बहुत लाइक बहुत सारा जर्नी हो गया एक ही दिन में, बिकॉज आप लोगों को व्लॉग के जो क्लिप्स हैं जो भी हैं वो देख के समझ आ ही रहा हो कितने सारे जगह हम लोग घूम के आए हैं। सो इट्स नॉट लाइक ओनली घूमना, क्योंकि हम लोग सुबह निकल गए थे ऑलमोस्ट आई थिंक 9:30 तक तो निकल ही गए होंगे, 10 बजे तक तो निकल ही गए होंगे। एंड वी केम बैक हियर टू नाइट एट लाइक 8:00 और समथिंग। सो अभी रात हो गया, ठीक है। सो अभी बज रहे हैं 9:30 के आसपास बज रहे होंगे। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो राइट नाउ, क्योंकि बहुत देर हो जाता नहीं तो, और वैसे भी थका हुआ हूँ तो सो जा सकता हूँ। लाइक हो सकता है कि 5-10 मिनट में मैं सो जाऊँ। डिनर एंड ऑल हम लोग करने जा रहेंगे विद इन लाइक आधा घंटा 45 मिनट में चले जाएंगे, डिनर कर लेंगे यहाँ पे जो नीचे रेस्टोरेंट है इसके। सो करने के बाद आई विल स्ट्रेट अवे गो टू माई बेड, क्योंकि फिर से हमें कल सुबह उठना है। एंड वी आर गोइंग टू बनारस, जो कि हमारा लास्ट स्पॉट था जाने का। सो फाइनली डेज आर ओवर हियर इन राजगीर, एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे बनारस। सो बनारस का जो व्लॉग है वो अगले व्लॉग में आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। उसके बारे में मैं कोई इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अगला जो वीडियो है वो देखने में बोर हो जाओगे, ठीक है। सो लगे रहो मेरे चैनल के साथ, बी विथ माई चैनल, बी विथ माई व्लॉग्स। आगे की वीडियोस भी देखो, आगे की व्लॉग जो आने वाला है वो भी, तीसरा व्लॉग भी देख लो, तो शायद आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है। नाउ आई डोंट नो कि अच्छा लगे कि नहीं लगे, बट आई होप यू एन्जॉयड इट। सो दैट्स इट, मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ आज ही। ये जो सेकेंड वीडियो है, सेकेंड व्लॉग है, उसमें आज यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। इन दिस सीरीज, इन दिस होल सीरीज, ये सेकेंड व्लॉग था और इसे मैं अभी यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ। सो तीसरा व्लॉग कल से शुरू होने वाला है, या शायद आज रात से ही स्टार्ट हो जाएगा, बट फिर भी तीसरा व्लॉग मैं कल से शुरू कर रहा हूँ, जो बनारस का है। एंड आई होप यू एन्जॉयड इट। आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे क्लिपिंग्स है, आप लोग देख लोगे, आप लोग अच्छा लगता है, बट आई होप यू एन्जॉयड इट। सो इफ यू हैव एन्जॉयड इट, राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि येस वी हैव एन्जॉयड इट, और कितना वो भी लिखो। ऑब्वियसली आप लोग मेरे ऑडियंस हो, अगर तो कहीं भी आप लोगों को लग रहा है कि कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कहीं भी मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, सो राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, सो कि मैं जान पाऊँ कि कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। एंड येस ऑब्वियसली लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, इफ़ यू हैव एन्जॉयड द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन। ऑब्वियसली जितना हो सके शेयर करो, बिकॉज मैंने पहले ही कहा है कि आई नीड योर सपोर्ट गाइज, ऑब्वियसली आई नीड योर सपोर्ट, बिकॉज आप ही लोग हो मेरे सबसे बड़ा सपोर्ट, है ना। एंड थर्ड थिंग वही सेम, जाओ ठोको सब्सक्राइब बटन को, ठोक ठोक के तोड़ दो सब्सक्राइब बटन को, ठीक है। लेकिन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी विद माई चैनल टू एन्जॉय ईच एंड एवरी व्लॉग जो कि मैं बना रहा हूँ, एंड एन्जॉय द सीरीज। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, गुड नाइट। और बोलना भी क्या था वैसे, सो बाय बाय, गुड नाइट, लव यू गाइज। Let me take you for a ride.